In this presentation, we will discuss the rules of Islamic law relating to the subject matter of partnership as well as the status and position of partners in the partnership. The first and the foremost condition and requirement of Islamic law.

टू मार्केट इट टू सेल इट ऑब्वियसली ये अनलॉफुल पार्टनरशिप है या कि पार्टनरशिप टू ट्रेड इन दी पोर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के आप पोर्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए मैन्युफैक्चर करें उनकी मार्केटिंग करें उन्हें आप सेल करें ऑबियसली ये एक अनलॉफुल ट्रेड है और इसके लिए पार्टनरशिप नहीं बनाई जा सकती इसी तरीके से अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप है कि आप ऐसा कोई लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे कोई ऐसी पब्लिकेशन जो है वो तैयार करेंगे जो कि मखरब अखलाक हो जो कि इस्लामी अकायद के इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ हो तो ओ, कोई ओपसिन लिटरेचर है पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है तो ये जो पार्टनरशिप होगी ये अनलॉफुल होगी उसकी वजह ये कि जो इसका सब्जेक्ट मैटर है जिस पे कि यह पार्टनरशिप हो रही है ट इज प्रोहबिटेड इन शरिया जहां तक पार्टनर्स की स्टेटस का ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे का एजेंट है यानी वो एजेंट भी है वो प्रिंसिपल भी है हर पार्टनर जो डिस्पोजिशन करता है जो एक्शन करता है जो ट्रांजेक्शन करता है वो दर हकीकत दूसरे के बिहाफ पे वो कर रहा होता है और उसके जो ट्रांजेक्शन हैं उसके जो एक्शन हैं एक्ट्स एंड डीड्स दे बाइंड द अदर पार्टनर यानी इसका मतलब है कि ही इज बाउंड बाई द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एंड ही बाइंड द अदर पार्टनर्स विद हिज एक्ट्स इसी तरीके से वो सू कर सकता है उसे सू किया जा सकता है यानी जितने भी एक्शन जितने भी एक्ट्स जितने भी ट्रांजेक्शन डिस्पोजिशन जो के इन कोर्स ऑफ पार्टनरशिप वो कर रहा है पार्टनरशिप के लिए वो उसकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी तमाम अफराद की है तमाम पार्टनर्स की है सिर्फ उसी शख्स की नहीं है क्योंकि जो के डायरेक्टली वो ट्रांजैक्शन कर रहा है हनफी स्कूल ऑफ लॉ में इस हवाले से थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है गो के इसका कोई बहुत सब्सटेंशियल इफेक्ट नहीं है हनफी स्कूल ये कहता है कि अगर एक पार्टनर ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो जो डायरेक्ट इफेक्ट है या के उसकी जो डायरेक्ट लाइबिलिटी या जिम्मेदारी है वो उसी शख्स पे होगी दूसरे पार्टनर पे नहीं होगी अगर एक शख्स एक पार्टनर क्रेडिट पे कोई चीज सेल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बायर से या परचेजर से प्राइस या के कीमत मांगने का हक सिर्फ उसी को हासिल है इसी तरीके से अगर वो क्रेडिट पे कोई चीज परचेज कर रहा है तो जो सेलर है वो इसी पार्टनर से रकम का तकाजा करेगा दूसरों से वो नहीं करेगा अगर एक शख्स ने एक पार्टनर ने कोई चीज पार्टनरशिप की कोई चीज डिफेक्टिव बेची यानी उसके अंदर एब या के फ्लाह मौजूद था तो जो बायर है परचेजर है वो इससे मुतालबा करेगा कि तुम इसको सब्सिडी इसे रिप्लेस करो या के जो इजाफी रकम तुमने ली है वो मुझे वापस करो बाकी इसके अलावा जो अल्टीमेट इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे रिवर्ट करते हैं तमाम पार्टनर्स को बाकी फुका का इस हवाले से नुकता नजर ये कि पार्टनरशिप के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं चाहे जो भी करे हर ट्रांजेक्शन दूसरे पार्टनर को बाइंड करता है और ये जिम्मेदारी सबकी है नजरिस नजर इसके ट्रांजेक्शन किस फर्द ने बर रास्त किया है तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है ये अमवाल है ये वकाला या एजेंसी की बुनियाद पर कायम है तो इस वजह से हर शख्स दूसरे पार्टनर का हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और इसी तरीके से हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल या के यानी वो शख्स के जिसके बिहाफ पे कोई कांटेक्ट किया जाता है तो इस तरीके से ये जो स्टेटस है एजेंसी की वो शरिकत अमवाल में ये मौजूद है और इसी हवाले से जो ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स हैं उसकी जिम्मेदारी तमाम अफराद पे आयद होती है